वाले बाबू, गाड़ी वाले बाबू गाड़ी चला दो, गाड़ी वाले बाबू जरा गाड़ी चला दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे और अपनी खैरियत मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताया करें। तो आज भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो रहा है, बादल से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे सा मौसम है। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो रेसिपी है राजमा चना चाट की। सबको बहुत पसंद आएगी और ऐसे मौसम में उसे लाजमी बनाइएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और वो आप सबसे शेयर करती हूँ। और यहाँ हम अपने गाड़ी वाले बाबू के साथ जो है वो बाहर आए हुए थे। गाड़ी वाला बाबू उसे कह रहे थे ज़रा गाड़ी धीरे से चलाओ और हमें मंजिल तक पहुँचाओ। तो भाई यहाँ गाड़ी चला रहे थे तो उन्हीं को ही मैं गाड़ी वाले बाबू बुलाती हूँ और यही लाइन जो है मैंने उनके लिए ही कही है। मौसम काफ़ी अच्छा था और ऐसे मौसम में जो है वो बाहर आउटिंग करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बारिश हल्की सी थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो तो ऐसे मौसम में भी बाहर जाना जो है वो ठीक नहीं होता। बहुत ही अच्छा है, खुशगवार सा मौसम था तो उसी में हम लोग बाहर गए थे थोड़ा इन्जॉय करने के लिए। और बस फिर घूम फिर कर जो है हम लोग घर वापस आ गए थे। तो साथ साथ मैं आप सब लोग को अपना सिटी भी दिखा रही थी कि किस तरह का है। यहाँ मैं आप सबसे एक मज़े की बात शेयर करती चलूँ। तो मज़े की बात ये थी कि हमारा इरादा जो है वो सिर्फ थोड़ी दूर तक ही जाने का था, ज़्यादा इतना घूमने का नहीं था। बट आगे जाकर रास्ते जो है वो काफ़ी सारे ब्लॉक थे और हमारी जो है वो आउटिंग छोटी से बहुत ही ज़्यादा हो गई और हमारी आधे घंटे की आउटिंग जो है वो तकरीबन घंटा डेढ़ तक चली गई थी। इसी वजह से हमने तकरीबन जो है वो पूरा सिटी ही इसी तरह से घूम लिया था और मौसम भी इंजॉय कर लिया था। साथ साथ आप लोग भी मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ जी अब बनने जा रही है राजमा चना चाट। राजमा चना चाट के लिए हमें चाहिए होंगे रेड बीन्स। इन रेड बीन्स को जो है रात को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, सुबह जो है आपने इन्हें बॉयल कर लेना है। उसके बाद जो है इसमें ऐड किया है एक प्याली उबले हुए आलू, टमाटर और प्याज के ऐड किए हैं। उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन आधा कप इमली का रस शामिल करना है और इसमें केचप जाएगा, एक टेबलस्पून नमक शामिल किया है और एक ही टेबलस्पून जो है वो चाट मसाला ऐड किया है। उसके बाद जो है हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप लोगों का दिल चाहे तो आप इसे डाल लें। ये मैंने धनिया पुदीना और जो है वो हरी मिर्च से ऐड की बनाई थी, तो इसे मैंने बहुत ही थोड़ी सी जो है वो इस्तेमाल की है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसे ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपकी बहुत ही डिलीशियस सी जो है वो राजमा चना चाट रेडी हो जाएगी। ये आप एज ए सैलड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है इसे किसी इवेंट पर या किसी दावत में भी इसे रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगेगी और ऐसे मौसम में जो है ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगी है। तो होप सो ये राजमा चना चाट आप लोग को पसंद आई होगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।